all right in the last video you have learnt what is drift velocity vd is nothing but drift velocity is nothing but the velocity with which the electrons move in the direction opposite to the external electric field and it is given by e e by m times tau and with a negative sign to be honest e e by m tau e e by m is what <coughs> e e by m इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन इन टू टाइम वी इक्व यू प्लस ए टी से ये वाला इक्वेशन बनता है और इसके बाद एक और चीज़ सीखी थी वो थी मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट रिमेंबर डी इज नॉट अनदर अदर सिम्बल वी डी टूगेदर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर अ स्मॉल डिरावेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलासिटी एंड करेंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलासिटी एंड करेंट आई राइट शॉर्टकट्स ओनली आप लोग लिख लेना सही से रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कंसिडर अ कंडक्टर सबसे पहले तो एक कंडक्टर का होना ज़रूरी है ठीक है और उसे बैटरी सप्लाई करना पड़ेगा ओनली देन यूल हैनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कंडक्टर ठीक है ये वो वी वोल्ट बैटरी है इधर है तो ये प्लस है ये माइनस है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी प्लस टू माइनस ठीक है और <coughs> जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो करंट कैसे जाएगा करंट गोज दिस वे एंड रिटर्न्स दिस वे ठीक है डन एंड वॉटल्स वॉटल्स कैन यू राइट लेट एल बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल बी देंथ ठीक है तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या आएगा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे होंगे माइनस 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 लिख लेंगे इस तरीके से मूव होंगे ठीक है टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड डन तो वॉट इज़ द इनिशियल पार्ट कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अभी के लिए यूनिफॉर्म ले रहे हैं आगे आपको समझाऊंगा कि एरिया अगर बदलेगा तो करंट को क्या होगा ठीक है <coughs> तो कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेट वी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ठीक है डन <coughs> तो आई इज द करंट फ्लोइंग तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर इज यानी वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज सिंपली ई इज इक्वल टू वी बाई एल कहाँ से आ रहा है ये ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर से आ रहा है रिलेशन सेकेंड चैप्टर उसीलिए बताया था दूसरे और पहले चैप्टर के बजाय डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पढ़ना बेवकूफ़ी है फर्स्ट थ्री चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आर इंटरकनेक्टेड अगेन आफ्टर फर्स्ट थ्री चैप्टर्स ओनली यू विल अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म एंड द नेक्स्ट चैप्टर टू दैट तो वो पांच चैप्टर जब शुरू के पाँच यूनिट खत्म करोगे तभी जाकर आप, आपको ऑल्टरनेटिंग करंट समझ में आएगा यानी छः चैप्टर्स को समझने के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट समझ में आता है ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बाद वेव्स आता है तो ये सारे के सारे तमाम पहली फिजिक्स की फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ सेकेंड प्यू सी इज कम्प्लीटली कनेक्टेड टू इच अदर अगेन सेकेंड टेक्सट बुक इज़ अ न्यू स्टोरी ऑन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स वगैरह तो वेरी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है सेकेंड व्यू का सो प्लीज़ फोकस ई इक्वल्स वी बाई एल कहाँ से आया ईक्वल्स डी वी बाई डी आर वेर वी इज वेलॉसिटी रॉन्ग वी इज पोटेंशियल ही आर ऑल्सो वी इज पोटेंशियल जस्ट बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलॉसिटी ड नॉट मीन वी इज ड्रिफ्ट वेलॉसिटी वी इज पोटेंशियल वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलॉसिटी है ठीक है तो लेट मी कम बैक टू दिस लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज ई इक्वल्स वी बाय एल ठीक है तो अब यहां पर लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ठीक है यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ठीक है स्मॉल एन हमने कंसिडर किया है यानी पर यूनिट वॉल्यूम एक छोटी सी यूनिट ले रहे इस कंडक्टर में ठीक है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड बी एन ठीक है तो स्मॉल एन इज वॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स बाई वॉल्यूम ठीक है तो <coughs> अब उस हिसाब से वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर देन आई कैन राइट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या होंगे ठीक है एन क्या हो गया डेंसिटी की तरह हो गया ठीक है डेंसिटी की तरह जैसे आपका मैंने बताया था ना कि हैड गिवन एन एग्जांपल ऑफ अस से देयर इज़ अ लेंथ ऑफ वायर ए बी ठीक है डन एंड द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ से दिस इज ऑफ टेन सेंटीमीटर से द टेम्परेचर पर सेंटीमीटर इज वन डिग्री वन डिग्री पर सेंटीमीटर ठीक है या या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस से भी बता सकते हैं कि पर पर लेंथ यानी पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस इससे फाइव ओम पर सेंटीमीटर तो यह क्या हुआ फाइव ओम पर सेंटीमीटर प्रॉपर्टी हो गई इस वायर की यानी जितना लेंथ मुझे चाहिए समझो आधा वायर चाहिए तो फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई फाइव ओम पर सेंटीमीटर तो फाइव फाइजर ट्वेंटी फाइव विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच पार्ट ऑफ द वायर ठीक है तो वो डेंसिटी का हिसाब है ठीक है जैसे कि आपको क्लास में मैंने अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्लास को मैं क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इतने सरफेस में समझो सौ बच्चे बैठ रहे हैं ठीक है या, या फिर इस सरफेस की लेंथ जो है टेन मीटर है और एक मीटर में दो बच्चे बैठ सकते हैं यानी टू स्टूडेंट्स पर मीटर दिस इज़ लाइक डेंसिटी टू स्टूडेंट्स पर मीटर हाउ मनी स्टूडेंट्स विल सेट इन टेन मीटर्स टू इंटू टेन ट्वेंटी तो उसी तरीके से एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक छोटी सी वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कंडक्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर विल भी कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ गिवज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड पर यूनिट वॉल्यूम एन इज़ द वैल्यू तो स्मॉल एन इंटू ए एल विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर हो ये रहा है स्मॉल एन का मतलब दरअसल जो आपको बुक्स में दिया नहीं गया है एन स्मॉल एन का मतलब दरअसल कैपिटल एन बाई वी है यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ठीक है एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने वॉल्यूम में उसका रेशियो निकालने पर हमें एक इंडेक्स मिला यानी एक प्रॉपर्टी uh, टाइप मिला कि स्मॉल एन है ठीक है अब जो भी वॉल्यूम मुझे चाहिए उससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मिलेंगे आई रिपीट जो भी वॉल्यूम में मुझे इलेक्ट्रॉन्स पहचानने हैं कि कितने हैं उस वॉल्यूम को मैं अगर स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम तो यही वो रिलेशन है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्चुअली इट इज़ कैपिटल एन Is equal to small n into al. Small n into a l well al together a into l area into length is volume. <coughs> Done ab if e is magnitude of charge, if e is the magnitude of charge on each. इलेक्ट्रॉन इफ़ ई इज़ द मैगनी ऑफ़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है अगर मैग्नीटूड ऑफ चार्ज यानी हम तो हमको तो मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई e, लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ ई e होगा देन टोटल चार्ज टोटल चार्ज इन द कंडक्टर टोटल चार्ज इन द कंडक्टर क्या होगा टोटल चार्ज इन द कंडक्टर होगा हम दे सकते हैं उसे कैपिटल क्यू ठीक है टोटल चार्ज क्या होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ई मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई द टोटल वॉल्यूम टोटल टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल गिव यू टोटल चार्ज आई रिपीट टोटल चार्ज इज गिवन बाई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्जेस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं एन ए एल तो ये बन गया स्मॉल एन ए एल ई ठीक है एन ए एल ई ठीक है तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज़ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम इट सेल्फ ए इंटू एल मल्टीप्लाइड बार चार्ज और नीचे इलेक्ट्रॉन अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो ये समझ में आना बहुत आसान है दिस इज़ लाइक आप देखो ये एग्जाम्पल से कंपेयर करूँ दिस इज एन इज़ लाइक टू स्टूडेंट्स पर मीटर टू स्टूडेंट्स पर मीटर एन है ठीक है अब मैंने कहा इस पूरे रूम में कितने बच्चे बैठते हैं ठीक है तब मुझे इस पूरे रूम का एरिया पहचानना पड़ेगा तो फिर ये समझो ऐसे भी टेन है तो टेन इंटू टेन हंड्रेड इंटू टू करूँगा तो टू हंड्रेड स्टूडेंट बैठेंगे तो अब यहाँ पर कंडक्टर के लिए स्मॉल इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एनी स्मॉल वॉल्यूम ठीक है अगर पूरे वॉल्यूम के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम वॉल्यूम इज गिवन बाय ए इंटू एल ठीक है दरअसल में वॉल्यूम इज गिवन बाय ए इंटू एल वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इंटू लेंथ एरिया इंटू लेंथ गिव्स द होल वॉल्यूम सो वी हैव गॉट द टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब उसको टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है एन ए एल उसको मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन से देन वील गेट टोटल चार्ज इन दैट सॉरी टोटल चार्ज इन दैट वॉल्यूम आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ठीक है डन <coughs> अब बहुत ही सिंपल चीज़ हो गया चार्ज हमें मिल गया ठीक है पूरा मकसद इसका क्या है हमें क्या चाहिए करंट वेलोसिटी करेक्ट तो चार्ज मिल गया है चार्ज मिल गया मतलब I इक्वल्स क्यू बाई टी होता है Q मिल गया है T पहचानना है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा टाइम टेकन बाई द चार्ज अच्छा इधर तरफ सब दिखा दे रहा हाँ टाइम टेकन बाई द चार्ज टाइम टेकन बाई द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर टू क्रॉस द कंडक्टर इज टाइम टेकन बाई द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर इज अब कंफ्यूज होकर आप यहाँ रिलैक्सेशन टाइम नहीं लिखोगे रिलैक्सेशन टाइम वीडी के अंदर आता है ये टाइम क्या है एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है ठीक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्टर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये सिलेंडर क्या है कंडक्टर है ठीक है तो टाइम बेसिकली स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम ठीक है टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है चार्ज को फुल लेंथ एल यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है स्पीड कितनी होगी वी डी होगी ठीक है स्पीड ऑफ द चार्ज इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टी इक्वल्स एल बाई वी डी ठीक है तो अब हमें टी भी मिल गया क्यू भी मिल गया चलो इसको इक्वेशन टू डाल लेते हैं तो नाउ बाई डेफिनेशन ऑफ़ करेंट आई इज इक्वल टू क्या है बाई डेफिनेशन ऑफ करेंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी यानी एन ए एल ई बाई एल वाई बाई वी डी एन ए एल ई बाय एल बाई वी डी ठीक है यहाँ yeah, कुछ नहीं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इसमें डाल दिया एल एल कैंसल तो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ठीक है इसमें याद रखो एन ए तीन अलग अलग टर्म्स हैं वी डी एक टर्म है एन होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिट वॉल्यूम सॉरी एरिया ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वी डी इज वेलोसिटी तो आई इक्वल्स एन ए ई वी डी ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखोगे एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है एरिया कॉन्स्टेंट है चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंट है तो आई कैन से आई इज़ प्रोपोर्शनल टू बी डी क्या हुआ वही जो लास्ट क्लास में मैंने बताया जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पास होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी फास्ट होगी उतना ज़्यादा करंट होगा वही बताया जा रहा है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होप सो मच हैज़ बीन क्लियर ठीक है नेक्स्ट hmm. है ओम्स लॉ उसको मैं अलग से एक और सेशन में करूँगा क्योंकि ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ये जो डेरावेशन अभी किया है ना इसमें अब तक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी पढ़ाया पूरा रिलेट हो जाता है ठीक है और ख़ास करके ये वाली चीज़ जो क्लासरूम के बारे में मैंने थियोरी क्लास में समझाई थी रेगुलर क्लास में कि आपकी क्लास समझो इतने की है इतने से टू एक मीटर में समझो दो बच्चे बैठते हैं तो दस मीटर में कितने बैठेंगे वो एक लेंथ के हिसाब से हो गया अगर दो बच्चे पर मीटर एक इसमें हैं तो फिर पूरे एरिया में कितने बैठेंगे तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू तो उसी तरीके से एन इंटू ए इंटू एल एन इंटू वॉल्यूम विल गिव यू इन दैट वॉल्यूम हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस ठीक है व्हाट इज़ द चार्ज टोटल चार्ज देन दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ ये वाला समझ में आने के लिए आपको ये समझ में आना है टू स्टूडेंट्स पर मीटर है तो टेन मीटर्स पे टू टू टें ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट्स आएंगे एक लेंथ में अगर पूरे एरिया में चाहिए टू इंटू टेन इंटू टेन ठीक है ट्वेंटी इंटू टेन टू हंड्रेड स्टूडेंट्स टू हंड्रेड स्टूडेंट्स पर मीटर आ जाएंगे टू हंड्रेड स्टूडेंट्स इन दिस होल एरिया ठीक है और अगर अब हर एक स्टूडेंट के पास एक एक चॉकलेट है तो फिर कितने चॉकलेट हो गए दो सौ स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई वन चॉकलेट क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक चॉकलेट है तो टू हंड्रेड इन टू वन इज टू हंड्रेड चॉकलेट्स तो उसी तरीके से दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दट कंडक्टक्टर मल्टीप्लाइड विथ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दट इज ई सो यू गैट टोटल चार्ज ठीक है ये वाला बहुत ही ईजी है समझने के लिए आई होप दिस मच हैज़ बीन क्लियर्ड इन द नेक्स्ट क्लास इंशाला विल मूव फॉर्वर्ड थैंक यू